नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर ताधेज होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहा, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा जो एक श्वसन से रिलेटेड एक बीमारी होती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। अब इंसान की सबसे बेसिक जो नीड्स होती है वो होती है एक वायु, अन्न और पानी, जिसमें से अगर हमें खाना और पानी अगर कुछ घंटों या दिन तक भी ना मिले तो हम रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन मतलब वायु जो होता है वो 5 मिनट में भी ना मिले तो हम इसके बगैर नहीं रह सकते हैं। तो ये जो प्राणवायु होता है बहुत हमारे लिए ज़रूरी होता है, और यही प्राणवायु जो होता है वो नेचर में से हमारी बॉडी तक पहुँचाने का जो काम होता है वो लंग्स करती है। अभी अस्थमा में यही लंग्स जो होती है और इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, जिसमें जो हमारी श्वसन तंत्रिका होती है इसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से वो सिकुड़ जाती है, इसकी वजह से जो एयर पैसेजेस होते हैं जहाँ से हवा अंदर जाती है वो बहुत नैरो हो जाते हैं, और इसीलिए पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होना, बार बार खांसी आना जैसे अस्थमा के बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। शुरू तो ये सर्दी खांसी से होता है, लेकिन बार बार होते होते ये तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि ये अस्थमा का रूप जो है वो ले सकती है। तो पहले आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में कि ये होता क्यों है। इसके बेसिक जो है मोस्टली ये जो ट्रिगर जिस वजह से होता है, जिसमें सबसे पहले आता है धूल। हम एटमॉस्फेयर में जितनी भी धूल है इसके अगर आप बहुत ज़्यादा ये पेशेंट्स एक्सपोज में होते हैं तो इन्हें ये ट्रिगर करता है। पालतू जानवरों के जो रोए होते हैं, उनके जो फर बाहर निकलते हैं एटमॉस्फेयर में होते हैं, उसकी वजह से भी किसी को दिक्कत करता है। वैसे ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है एटमॉस्फेयर में से जिसके लिए जो पेशेंट सेंसिटिव है उससे उसे तकलीफ हो सकती है, जिसके ये बेसिक चीज़ें है होती है। उसके बाद आता है वायु प्रदूषण, जो धुआं होता है केमिकल फैक्ट्री में से निकलने वाला धुआं या गाड़ियों में से निकलने वाला धुआं होता है, प्रदूषण जो होता है जिसकी वजह से भी अस्थमा जो है ट्रिगर होता है। कुछ लोगों में देखा गया है कि जब वो व्यायाम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनमें ये जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाते हैं। इसी के साथ साथ जिनका आहार जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा असंतुलित होता है, जिसके जिनके खाने में बहुत ज़्यादा ऑयली फूड होता है या बहुत ज़्यादा खट्टा या ठंडा खाना जो प्रेफर करते हैं, उनको भी ये तकलीफ जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। ये तो बहुत बेसिक से जो है बहुत सारे लोगों में यही लक्षण ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से उनके लक्षण जो है दिखाई देते हैं। और इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि अनुवांशिकता, फैमिली में अगर आपकी हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग अस्थमा की तो ये होने के चांसेस जो होते हैं आगे की पीढ़ी को ज़्यादा होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में वजन है तो भी ये आपको परेशानी ट्रिगर कर सकती है। इसके बाद अगर आप किसी हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं तो भी आपको ये अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। इसके बाद अगर आपके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशंस रहती है, स्वच्छता की कमी रहती है, बार बार आप अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करते हैं, तो इससे भी आपकी जो परेशानी है वो ट्रिगर हो सकती है। और इसके बाद एक लास्ट में आता है गर्ड, जो एक पेट की समस्या होती है जिसमें एसिड रिफ्लक्स आते हैं, पेट की जो एसिडिटी होती है, एसिड होता है वो मुंह में आता है, जिसकी वजह से हमारा खाने का जो पाइप होता है और सांस लेने के जो पाइप होते हैं वो आगे पीछे ही होते हैं। तो ये एसिड मुंह में आने की वजह से ये ट्रिगर कर सकता है और जो तकलीफ है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब देखते हैं इसके लक्षणों के बारे में, अस्थमा में क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले इन लक्षणों में आता है कि खांसी होना, खांसी जो कि बलगम वाली भी हो सकती है, जिसमें हरा पीला किसी भी रंग का बलगम जो है वो बन सकता है। खांसी सूखी भी हो सकती है, पर मोस्टली ये जो खांसी होती है ये रात के समय में ज़्यादा तकलीफ देती है। और खांसी के बाद दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट लक्षण है सांस लेने में दिक्कत होना। ये पेशेंट थोड़ी भी बहुत इधर अगर फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं तो इनकी जो सांस होती है वो फूल जाती है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ ये नहीं कर सकते हैं।